तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे सबको, और उन सबको भी हमारा बहुत बहुत सलाम जो हमारी वीडियो नहीं देखते। तो जनाब स्टार्ट हो गया है अफ्तारी का टाइम। अभी टाइम तो है तकरीबन 2 घंटे, मगर काम पहले से तो चीज़ें करने वाली हैं। कल चली गई थी रात में, जब मैं स्टार्ट करी थी रोल का काम तो गैस चली गई, सिर्फ साधन ही रेडी हुआ। अब यहाँ रेडी कर रही हूँ रोल का फिलिंग, रोल की फिलिंग तैयार करनी है, और बहुत ज़बरदस्त उसी तरीके से बनाऊंगी। अभी मैं थोड़े दिन पहले जो बनाई हुई रेसिपी थी, बहुत मज़े करते थे, बहुत मज़े करते, बच्चों को खासकर बहुत पसंद है, तो मैं उसी रेसिपी से अभी फिलिंग तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ रख दिया मैं चिकन, और उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे, और जब तक करेंगे कटिंग वेजिटेबल। तो पहले हमारे यहाँ जो मैं ज़्यादातर काम होता है 5:30 तक भाई वाटर मेलोन और जो फ्रूट्स वगैरह वो कटने का होता है। और हिफ्ज़ा की हाथ चल अच्छा वाटर मेलन जो है कि दस्तरखान पे वाकई में जब तक ना हो तो हमारे यहाँ शायद लगता है कि रोज़ा नहीं होता। ये ज़रूरी है, मतलब लाजमी है। तो पहले मैं अभी ये कट करेंगे, फ्रूट कट करेंगे, मैं फ्रूट चाट बनानी है, उसके बाद फिर जाएंगे दोबारा किचन में। ये है ईरानी तरबूज, वही लग रहा है। ये ऐसे तो नहीं होते पाकिस्तान के? हाँ जी, ऐसे नहीं होते पाकिस्तान के। चलो वापस, मगर कलर अच्छा लगता है इनका बाहर से। हाँ, अब वापस वो जो रियल वाटरमेलन नहीं होता नहीं। जी हाँ, फ्रूट चाट जो है वो कट चुकी है। अच्छा, आज इसमें सिर्फ अमरूद की कमी है और बनाए कम है, क्योंकि कोई नहीं ऐसा खाने वाला। साविया जो है वो गई हुई हैं, साविया भी नहीं है, वरना शौक से ज़्यादा साविया खाती हैं, और बच्चे हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। तो फ्रूट चाट कट गई है, वाटरमेलन। अच्छा, वाटरमेलन पे अगर आप ब्लैक सॉल्ट जो होता है, जिसको काला नमक कहते हैं, वो अगर आप हल्का सा उस पर डालें और उसके बाद खाएं, तो इसका जो फ्लेवर होगा ना वो और आउट क्लास हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। कभी ट्राई करके देखिएगा। ब्लैक सॉल्ट वो आप डालें, ब्लैक पेपर जो होता है हल्का सा, जैसे हम नॉर्मली छिड़कते हैं नमक, और उसके बाद फिर इसको खाइए, बहुत ज़बरदस्त जायका होता है। तो यहाँ हमारी ये चीज़ भी डन हो चुकी है, अब हम जाएंगे बेसन फेंटना है। और अच्छा, मैं चाट मसाला हम लोग नहीं ऐड करते फ्रूट चाट में, क्योंकि उससे फ्लेवर बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो ब्लैक पेपर खाली, और ब्लैक सॉल्ट, और हल्की सी चीनी, क्योंकि चीनी इतनी अच्छी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाली जाए। और इस पर मैंने डाल दिया है ब्लैक सॉल्ट। तो हमारी ये दो चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब जनाब हम जाएंगे बेसन पे, और तकरीबन सारी ही लेडीज़ की यही रूटीन होती है रमज़ान में, बस शाम का टाइम हुआ है और किचन में। तो मैंने कहा आपके साथ मैं अपनी थोड़ी सी रूटीन शेयर करूं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद भी रखिएगा। और अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, आगे अभी और है सफ़र करें, मगर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। और जो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ 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 ज़रूर देखें वीडियो, मगर साथ ही साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और यहाँ आ गई बेसन की बारी। अच्छा, बेसन में मैं जो हूँ, बेसन के अंदर वैसे तो ज़ीरा नमक है, और साबुत धनिया कूट के, और कूटी हुई मिर्चें, और हल्का सा मीठा सोडा, ये सारी चीज़ें हम डालते हैं। अच्छा, मगर मैं जो लेकर आई हुई थी लास्ट रमज़ान भी, और वो बहुत अच्छा था, वरना घर के ही मसाले डालती हूँ, मेट्रो से अच्छा था वो मसाला, और अभी तक बहुत ज़बरदस्त फ्रेश बिल्कुल चल रहा है। तो मैं इसे अवॉइड करती हूँ, और कुछ भी नहीं डालना पड़ता, सिर्फ आप वो मसाला डालें, उसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता। तो बहुत अच्छा था मेट्रो का मसाला, और अक्सर मेट्रो की चीज़ें वैसे मसाले बहुत अच्छे होते हैं। तो वो मैंने सिर्फ इसमें ऐड करा, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मसाला है वो, उसमें काफ़ी सारे उन्होंने मसाले, बहुत सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट मिक्स करे हुए, तो आप वो डालें, और आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बेकिंग सोडा मैं ज़रूर डालती हूँ, थोड़ा सा मीठा सोडा वो मैंने वो डाला है हल्का सा, और नमक। उसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ मैं ऐड करती हूँ वो है हल्दी, वो मैं ज़रूर डालती हूँ। हल्दी अच्छा यूँ डालती हूँ कि पकौड़ों का कलर जो है ना वो बड़ा प्यारा आता है, बहुत ही येलो सा, गोल्डन सा, वरना आप देखें अक्सर पकौड़े जो है ना वो बहुत डार्क कलर के हो जाते हैं, तो अच्छे नहीं लगते ना देखने में ना खाने में। तो हल्दी डाल के आप ट्राई करिएगा, हल्दी से बड़े ज़बरदस्त कलर आता है, तो ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा कलर भी आएगा और शक्ल से भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो अब यहाँ मैं बस इसको फेंट के रखूँगी ताकि ये काम भी हो जाएगा, जब तक हम पढ़ेंगे नमाज, उसके बाद आएंगे, देन बनाएंगे पकोड़े। पकोड़ों का सारी चीज़ें मैंने कट करके रख दी थी कल ही, तो सब चीज़ें रेडी हैं।
से मिक्सअप करना है और पकौड़े बनाने। और अब मैं बनाऊंगी जूस। जूस तकरीबन हमारे घर में जो है ना तीन तरह के बनते हैं अलग अलग। तो मैं अपने लिए बनाती हूँ लेमनेट थोड़ा सा मिंट के साथ, जिसमें सिर्फ शुगर फ्री ब्राउन शुगर और थोड़ा सा इसमें मिंट जाएगा और लेमन और थोड़ा सा काला नमक, और चाहें तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और ग्राइंड करें, बहुत ज़बरदस्त सा, और रमज़ानों में और गर्मियों में बहुत अच्छा है वो। अदरवाइज़ और जो हम कोई जूस पिए उसमें कोई भी हो, एक्सरसाइज डाइट रूह अफ़ज़ा हो या टाइगर कुछ भी, उससे अच्छा ही है। तो अभी ये मैं फ्रेश पुदीना तोड़ के लाई हूँ और मैं बनाऊँगी। और उसके अलावा बाकी पुदीना जो है इतना सारा नहीं जाएगा, अभी चटनी भी बनानी है क्योंकि चटनी हो चुकी है दी एंड, तो चटनी बनानी है मैंने, वो बनाऊँगी तो पुदीने की। तो यहाँ दोनों जूस भी रेडी हो चुके हैं, एक बन गया रूह अफ़ज़ा का लेमन के साथ, और आज साबिया नहीं है तो टैंग नहीं बन रहा, वरना टैंग अलग बनता है। और ये मेरा बन गया मिंट के साथ लेमनेट, और मैं इसमें लेमन डालना भूल गई थी क्योंकि मैं डालती हूँ फ्रूट चाट में, इतना ज़बरदस्त फ्लेवर होता है इसका। और फिर जो आप फ्रूट डालते हैं उसमें एप्पल और बनाना जो है वो उनका जो कलर है ना वो ब्राउन में नहीं जाता, जैसे थोड़े से डार्क हो जाते हैं काटने के बाद। तो अगर आप लेमन छिड़क देंगे तो उसके बाद कलर जो है ना फ्रूट्स का वैसी ही रहेगा। तो मैं भूल गई थी डालना, मैंने डाल दिया थोड़ा सा इसमें, उसमें वैसे ही ऑलरेडी इतना मैंने लेमन डाल दिया। तो यहाँ जूस भी रेडी हो चुका है, ये चीज़ें अब है चटनी की बारी, चटनी रेडी करूँगी उसके बाद फिर जाएंगे पकौड़ों पे। तो यहाँ चटनी का जो सारा मसाला है वो मैंने निकाल दिया। अच्छा, मैं बना रही हूँ पुदीने की, फुल पुदीना मैंने लिया इसमें, तकरीबन दो मुट्ठी के करीब पुदीना इसमें गया है। थोड़ी सी साबुत मिर्च गई है लाल वाली, थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्च गई है लाल वाली, और हरी मिर्च जो है मैंने 3 से 4 अदद लिए, और वो लिए जो ऑरेंज और रेड सी हो जाती है। इसमें मैंने लहसुन डाले 2 जबे, और बहुत सारा इसमें डाला मैंने इमली का पल्स, बहुत सारा मतलब तकरीबन प्याली, 1 प्याली भर के जो है मैंने इमली का पल्स इसके अंदर डाल दिया है। और आमचूर पाउडर जो है वो थोड़ा सा डाला उसमें 1 चाय का चम्मच, और थोड़ी सी 1 चाय की चम्मच के करीब मैंने इसमें डाली है चीनी, और 1 ही चाय की चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है नमक। तो इन सारी चीज़ों के जब आप चटनी बनाएंगे तो बड़ी ज़बरदस्त सी चटनी बनेगी आपकी, ट्राई करके देखिएगा। मैं आपको बताते भी जा रही हूँ साथ साथ, जो जो चीज़ें मैं रूटीन में बनाती हूँ वो करती हूँ, तो वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ हमारी चटनी रेडी हो गई है, मैं स्टोर करके रखी हूँ, ये तकरीबन आराम से चल जाएगी, हमारे पूरे वीक तो चली जाएगी। ये रेडी हो गई चटनी, और जनाब अब आ गए बेसन की बारी, पहले रोल तल लें फिर उसके बाद बनाएंगे पकौड़े। जनाब यहाँ रेडी हो गए पकौड़े और रोल। अच्छा, मैंने बनाने थे वेजिटेबल वाले मिक्सर पकौड़े भी, मगर एंड टाइम पे आ गए हलीम और बिरयानी, तो भाई हमने रोक दिया कि वो फिर नहीं खाए जाएंगे, तो सिर्फ पटाटो वाले पकोड़े वो ज़्यादा खा लिए जाते हैं, बच्चे शौक से खाते हैं। और बिरयानी आ गई थी और हलीम, तो हमने फिर छोड़ दिया, नहीं बनाए पकोड़े। और पता है रमज़ान में थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो जाती, तो इसी के साथ यहाँ ब्लॉग में एंड करती हूँ। ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दिएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ मेरी फ्रूट चाट जो है वो दी एंड हो रही है, क्योंकि मैं ज़्यादा फ्रूट चाट पे फोकस करती हूँ, तो वो चल रही है। और यहाँ आ गया चाय का टाइम, तो इसके साथ अल्लाह हाफिज़।